अपडेट लाइव, जुलाई में हो सकती है परीक्षा। नए डेट की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूजीसी नेट को रद्द करने की घोषणा जब की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि जल्द ही परीक्षा को फिर से आयोजित करने की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इन दिस वीडियो यूजीसी नेट न्यू एग्जाम डेट 2024 लाइव। कब होगी यूजीसी नेट की परीक्षा? एनटीए जारी करने वाला है एडमिट कार्ड। जी हां दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूं। क्या है अपडेट, क्या है डिटेल, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। यूजीसी नेट न्यू एग्जाम डेट 2024 लाइव। देश भर में 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को एनटीए ने अगले ही दिन यानी कि 19 जून को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। अब स्टूडेंट्स को एग्जाम की नई डेट का बेसब्री से इंतजार है। जी हां दोस्तों, 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को एनटीए ने अगले ही दिन यानी 19 तारीख को रद्द कर दिया था। अब स्टूडेंट्स बेसब्री से एग्जाम की नई डेट का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया गया था कि किसी के द्वारा इस परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है जिसके कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब स्टूडेंट को एग्जाम की नई डेट का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि अभ्यर्थियों के परीक्षा रद्द होने से उनका आगे का पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है। जी परीक्षा रद्द होने से स्टूडेंट का मनोबल टूटता है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द होने से उनका आगे का पूरा शेड्यूल जो है बिगड़ चुका है। वो बेसब्री से जो है डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के कारण सरकार की ओर से भले ही कुछ भी कारण बताया गया हो लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि पेपर लीक के चलते ही इस परीक्षा को भी रद्द किया गया था। यूजीसी नेट से पहले नीट यूजी को लेकर भी देश में बवाल जारी था। इस परीक्षा को भी एनटीए द्वारा ही आयोजित कराया था। जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो 67 बच्चों ने 100% मार्क के साथ इस एग्जाम में टॉप किया था। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के कारण सरकार की ओर से भले ही कुछ भी बताया गया हो लेकिन अंदर खाने की चर्चा यही है कि पेपर लीक के चलते ही इस परीक्षा को भी रद्द किया गया था। यूजीसी नेट से पहले नीट यूजी को लेकर भी देश में काफी बवाल मचा था। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 पेन पेपर मोड में आयोजित हुई थी। 18 जून को यह परीक्षा 317 शहरों में हुई थी। इस परीक्षा में 11,21,225 उम्मीदवार शामिल हुए थे। यूजीसी नेट के बाद एनटीए ने सीएसआईआर नेट एग्जाम को भी स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा भी जून के आखिर में आयोजित होनी थी। जी दोस्तों, यूजीसी नेट परीक्षा 2024 पेन पेपर मोड में आयोजित हुई थी। 18 जून को यह परीक्षा 317 शहरों में हुई थी। इस परीक्षा में 11,21,225 उम्मीदवार शामिल हुए थे। यूजीसी नेट के बाद एनटीए ने सीएसआईआर नेट एग्जाम को भी स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा भी जून के आखिर में आयोजित होनी थी। यूजीसी नेट न्यू एग्जाम डेट 2024 लाइव। कब जारी होंगे नेट 2024 परीक्षा की तारीख? जी हां दोस्तों, अगर तारीख पे बात करें तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच यूजीसी नेट परीक्षा 2024 पोस्टपोन कर दी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 स्थगित कर दी गई है और नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आधिकारिक सूचना एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को रद्द कर दिया था। परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने के कारण सरकार की ओर से परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर भी एनटीए की ओर से अपडेट दिया जाएगा। जी डेट लाइव, जुलाई में हो सकती है परीक्षा। नए डेट की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूजीसी नेट को रद्द करने की घोषणा जब की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि जल्द ही परीक्षा को फिर से आयोजित करने की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यूजीसी नेट न्यू एग्जाम डेट 2024 लाइव। कब होगी यूजीसी नेट की परीक्षा? एनटीए जारी करने वाला है एडमिट कार्ड। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।